बिहार के पूर्णिया जिले में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण करीब 10 से 12 दुकानें जलकर राख हो गई। इस दौरान एक के बाद एक 10 से ज़्यादा सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और जिससे मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। आग के कारण लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। इस हादसे का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार। बिहार में चुनावी सीजन चल रहा है, आज चुनाव का आखिरी दिन भी है, प्रचार का आखिरी दिन है। नेता अपने प्रचार में लगे हुए हैं और रात को करीब 10:15 बजे ये डगरुआ का बाजार है, डगरुआ क्षेत्र में आता है और इस डगरुआ क्षेत्र में रात 10:15 बजे के करीब इतनी भयानक आग लगी कि लगभग 16 सिलेंडर लगातार फटते चले गए। बस गरीबों की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। लोगों का कहना है कि इतना नुकसान अभी तक इन लोगों ने नहीं देखा था। दमकल की गाड़ियां आई तो वो उस टाइम आई जब सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अभी मैं दिखा देता हूँ कि अभी भी आग बुझी नहीं है, अभी भी धुआं निकल रहा है और अभी जो ये आप धुआं देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, उधर भी धुआं निकल रहा है। मतलब बहुत सुलगती हुई आग अभी भी निकल रही है और लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है क्योंकि फायर ब्रिगेड को लोगों ने बुलाया था, वो टाइम से नहीं पहुंची, समय से नहीं पहुंची, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाता। ये उस मौके पर नहीं थे, इनका क्या क्या हुआ था उस समय? पानी भी शॉर्ट कर गया, देते देते थोड़ा देर चला, 10 मिनट चला, उसके बाद पानी शॉर्ट हो गया। कितनी गाड़ियाँ आई? एक ही गाड़ी आई। 16 सिलेंडर फट गए, एक गाड़ी ही आई थी। बहुत किधर से बाद में छोटा वाला गैस वाला हुआ आया था, छोटा वाला गाड़ी आया था, बहुत लेट, बहुत लेट, तब तक जल चुका था। और नेता कितने आ गए? यहाँ नेता तो बाद में आया, सब जल चुका था, तब आया हरीश भान भी आया, वो उसके बाद रुकनुद्दीन भी आया। नहीं रात में रात बहिर बोले आया, सब आया। क्या क्या काम होता था यहाँ? यहाँ पे मिठाई का दुकान है, गैस का दुकान है, रोजेरी का दुकान है, उसके बाद यहाँ मास्टर साथ हो तो चला है, फ्री चला है, बड़ा बड़ा सिलेंडर कहाँ रखे थे? सिलेंडर जो इतने फटने लग गए, क्या घर से बराबर में जो घर था वहाँ सिलेंडर का दुकान था, उसी से दुकान में आग लग गई? नहीं, पीछे में आग लगा, फिर दुकान में भी आग लग गई। जो यहाँ पे लोग उस समय पे लोग नहीं थे, नहीं थे जब आए, 10:10 बजे रात को हो गया था। जो पहला सिलेंडर कोई नहीं जाते, कोई था तो नहीं यहाँ पे, यानी किसी की जान तो नहीं गई इसमें, जान तो नहीं गई। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि जान तो किसी की नहीं गई है, लेकिन नुकसान करोड़ों का हो चुका है, जिसकी भरपाई करने के लिए लॉकडाउन के समय में, बेरोजगारी के समय में बहुत मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रदीप कुमार, डगरुआ, बिहार। आपको बता दें कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी थी। पूर्णिया से न्यूज़ के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।